संगम नगरी प्रयागराज के लिए गुरुवार का दिन काला दिन साबित हुआ। जिले में अलग अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है। यमुनापुर इलाके की 3 तहसीलों के अलग अलग गांव में ये घटना हुई है। कर्सना तहसील के तेवरिया खुर्द में 2 लोगों की आकाशीय बिजली गिरने से जहां 15 साल के विनीत और 16 साल के आशीष की मौत हो गई है, वहीं बड़ोकर गुलमई गांव में भी एक 11 वर्षीय बच्चे रमेश कुमार की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई है। 12 तहसील के गढ़िया खुर्द में भी 11 वर्षीय बच्चे रंजय कुमार की मौत आकाशीय बिजली गिरने से हुई है, जबकि मेजर तहसील के टिकरी में एक 30 वर्षीय युवक रमेश और गोहन उच्चैरक गांव में राम अचल नाम के अधेड़ व्यक्ति की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई है। जिले में आकाशीय बिजली से 6 लोगों की मौत होने की प्रयागराज के कमिश्नर आर रमेश कुमार ने भी पुष्टि कर दी है। वहीं आकाशीय बिजली से कई लोगों की मौतों पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया है। आकाशीय बिजली से हुई मौतों पर दैवी आपदा के तहत परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी किया है। गौरतलब है कि गुरुवार को प्रदेश में अलग अलग जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 24 लोगों की मौत हो गई है।